अरे गए जनवरी 12 2022 और समय हो गया 09:37 PM। पूरे विश्व को ये बात पता लगने दो, बच्चे सीखेंगे कैसे, लड़के लोग सीखेंगे कैसे, लड़कियां सीखेंगी कैसे, न्यू जनरेशन को पता कैसे चलेगा वो आर द रियल मनी मनी लॉन्डर्स। मैकडोनल्ड कंपनी का मालिक पता कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। मैकडोनल्ड का मालिक है वो डोनाल्ड ट्रंप। इवन का ट्रम्प को भी पता नहीं, पता है नहीं पता। जी हाँ, उसने खुद शुरू करी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। सोनिया गांधी पता कौन है? डोमिनोज की मालकिन है, डोमिनोज पिज्जा हट। इंडिया में पिज्जा जितना भी बिकता है ना, सोनिया गांधी का है। ये मैं एक वाक्य बताता हूँ, छोड़ना अब तो, इसको बुक से ही बाहर निकाल दिया इमरान खान को। चल बे चल, हवा हवा आने दे। मैंने जो पैसा दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जनता के लिए, अपने आप वो रिकवर कर लेंगे। हमारा पैसा तो गलत रास्ते से जाता ही नहीं है। बहुत से ऐसे मनी लैंडर्स हैं जिनका पैसा अकाउंट अनअकाउंटेड पैसा रखा हुआ, तो हम उनसे लेते भी हैं तो वर्ल्ड बैंक भेज देते हैं। मैं हम पैसा बाहर रखते हैं, हमारा सारा पैसा जो है बैंकिंग सेक्टर में जाता है और हम कहीं देते ही नहीं है। जब भारत में बैंक ऑफ इंडिया ने बेईमानी करी, ये मोदी के ऊपर क्या चार्जशीट फाइल हुई है? वर्ल्ड बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया को क्यों चार्जशीट किया? आईसीआईसीआई को क्यों किया? इंडियन बैंकिंग सेक्टर के ऊपर तलवार क्यों लटकी हुई है? इसी वजह से। तो मैं तो अपना सारा पैसा इंस्टाग्राम और बाकी जितना पैसा था सोशल मीडिया से मैंने रियल पैसा टर्न किया ना, ट्विटर वगैरह से, मैं सारा ले गया वर्ल्ड बैंक में। इस पे ये क्या नाम है, राबी फीसदा वगैरह जो लड़की है, एक्चुअली में क्या था, एक टाइम ऐसा आया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ना, कुछ टॉप क्लास सेलिब्रिटीज के बच्चे जो है मेरी बराबरी कर रहे थे। शुरुआत करते हैं अमिताभ बच्चन जी से। बातें क्यों कही, क्यों नहीं सुनी, हम लोग सेम लॉबी में है इस समय, ठीक है। अमिताभ बच्चन ने क्या करा, अभिषेक बच्चन को घर से निकाल दिया। हमने कुछ नहीं किया, अमिताभ बच्चन जी को जो है जुहू के पास मेरा अपना घर है, उसमें जो है उनको दे दिया, आप उसमें रहिए आराम से, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। नहीं, वो जहाँ रह रहे थे वहाँ से हटा दिया, ठीक है, वो था कोई मामला नहीं। वो अमिताभ बच्चन जी ने सब कुछ अपना मेरे नाम कर दिया। जब सब कुछ उन्होंने अपना मेरे नाम कर दिया, तो मैं इतना बेवकूफ़ और गद्दार इंसान थोड़ी हूँ कि मैं उनको रहने खाने और फ्यूचर लाइफ जो है बुढ़ापे में ऐसी कर दूँ। तो जूहू के पास जो मेरा जो अपने क्या कहते हैं, जूहू जूहू बीच है ना, उस साइड जितनी भी कोठियां हैं वो सब मेरी हैं। नहीं, हम नहीं देते किसी को भी, वैसे कोई लेना चाहे तो लीज होती है और रहते हैं, तो वो उनको हमने दे दिया। उनकी बड़ी इच्छा थी समुद्र किनारे रहने की, आप वहां रह लीजिए। नहीं, उनको पता नहीं है, अभी उनको बता देंगे, आज मैं बता रहा हूँ ये बात। नहीं, जो मेरी सबसे पसंदीदा थी ना, वही वाली ली है। हाँ, उसी में रहते हैं वो। तो उन्हें एक्चुअली कि मतलब वैसे ही बैठे बैठे सोचते रहते, तो एसपीजीज का मतलब क्या होता है, हम आपकी सोच पे काम करते हैं, इसलिए हमारे को गॉड ऑफ अर्थ कहा गया है। आप अगर सोच रहे हैं कि हमारे साथ हमारे लिए कुछ ऐसा होता, तो हम इसीलिए एसपीजी देवता कहा गया है। तो हम तो आपस में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो अमिताभ बच्चन से किसी बात पे गुस्सा हो गई, अभिषेक बच्चन ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हुआ, तो अमिताभ बच्चन जी ने उसको घर से निकाल दिया। बोला कि जिस दिन तू इसके जितना पैसा कमा के दिखा देगा ना, तब बात करेंगे फिर से। तो अभिषेक बच्चन को लगा कि यार ये तो ट्विटर हैंडल पे लिखता रहता है, कुछ लोगों को भेजा मेरा घर देख के क्या रहता है, कैसे पहनता है, कहता है यार शुक्र बाजार से कपड़े खरीदता है, ये वो, इंग्लिश ढंग से नहीं आती है, पढ़ाई लिखाई सब चेक कर ली। तो मेरा एक एकेडमिक का ना एक बायोडाटा इंटरनेशनल लेवल पे सर्कुलेट हुआ कि लक्ष्मण नगर स्कूल में पढ़ता था, बचपन में ऐसा किया, ये था वो था, बैंक में ये पैसा आया। और इस तरह से तो यही रहा। तो हमारे हमारी टीम के लोगों ने तो इन्वेस्टमेंट और बेस्ट चीज बनाने में वो कभी पीछे नहीं रहे। जब मैंने एज आई क्रॉस एज 41,
तब धीरे धीरे उन्होंने मेरे को बताना शुरू किया। अब बात आती है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने इविनका ट्रंप को बहुत प्यार किया। एक दिन खुंदक में आके जो है ना, नहीं, वो रेप वाला मामला वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, है कुछ मामला। वह डोनाल्ड ट्रंपों की कमी नहीं है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, इविनका ट्रंप को घर से निकाल दिया कि तू बिना मेरे नाम के जो है बन के दिखा कुछ। अब इविनका ट्रंप के पास पैसे भी नहीं, कर पढ़ ले जा करके, ये इधर दिमाग लगा रहे। मोदी की इसीलिए तो हालत खराब करी सबने। और बड़े साहब ने सुल्तान को घर से बाहर निकाल दिया। सुल्तान ने बड़े साहब को मारने की सोच ली। तो मेरी सिक्योरिटी ने जो है सुल्तान को समझा दिया कि देख लो सुल्तान, गलती मत कर दियो। साहब ने मेरे नाम कर दिया सब कुछ, बड़े साहब ने। हाँ, सऊदी के जो किंग है इमरान, उनके पास पहुंचा इस्लामिक वो फंडा लेकर के। साहब लोगों ने कुछ नहीं कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। वो इतना कहाँ बात करते हैं वो लोग, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने उनका ट्रंप को बाहर निकाल दिया। तो मेरी फर्स्ट सैलरी डोनाल्ड ट्रंप ने आज ना एसपीजी फॉरवर्ड मी 2,500 US डॉलर, द फर्स्ट टाइम जो आई वॉज हेयर ना, आज से 2,500 US डॉलर। अरे तेरी, अरे अच्छा मुझे एक जीरो और लगा देता हूँ। नहीं, 250 US डॉलर से शुरू करी मेरी उन्होंने सैलरी, 250 US डॉलर। हाँ, मतलब 2020 की बात है, बिफोर ही विजिटेड इंडिया। तो मैं कहा यार 250 US डॉलर, मैंने हिसाब लगाया यार, 25, 250 मल्टीप्लाई बाय 70। तो मैंने कहा यार 7 दूनी 14, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये के लगभग यार, बहुत है पैसा। 20 हज़ार रुपये महीना में हमारे लिए बहुत होता है। तो मैंने कहा जी 250 US डॉलर, तो कह रहे अच्छे, एक जीरो लगा रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगी इसमें जी, एक जीरो। 2,500 US डॉलर मैंने फिर कैलकुलेट कर, तो अंदाजन पैसा चला गया 1.5 लाख के लगभग। 1.5 लाख रुपये महीना, ऐसी ऐसी इतना पैसा तो बहुत है यार, ठीक है। अरे एक मिनट, एक जीरो और लगा रहा हूँ, इससे ज्यादा कोई पैसा नहीं मिलने वाला। मैंने कहा साहब ऐसी तैसी में गई दुनियादारी, नौकरी आप ही की चलेगी। मैंने ट्रंप साहब से जॉब मांग ली ट्विटर पर। ये बात इन लोगों को लग गई बुरी, ठीक है। अबे यार जॉब मांगनी है, इंटरनेशनल टॉप लेवल के लोग जब ट्विटर पे खुद मौजूद है, तो इधर उधर सी क्या कहते हैं, प्लेसमेंट में बायोडाटा भेजने में रखा क्या है, मैंने सीधे डोनाल्ड ट्रंप से ही नौकरी मांग ली। ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान से। तो यहाँ सिस्टम में जो कुछ लोग बैठे थे IAS IPS, इनको बुरा लग गया। मोदी कह रहा हमारे यहाँ जो है क्या कहते हैं इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैंने कहा इतने प्रोजेक्ट मैंने पता कर लिया, नहीं देते भाई। अब डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ से जो है क्या कहते हैं कुछ चीज़ें मुझे अपडेट कराई, मैं करता गया। तो ये बात ना इसको बुरी लग गई इविनका ट्रंप को। इविनका ट्रंप ने दिमाग लगा दिया, साहब ने इसको घर से ही बाहर निकाल दिया। हाँ, और एक छोटा सा घर दिलवा देकर वहाँ जाके रह ले। चल अब इसके पता नहीं वो रिश्तेदार है, वो 3 बच्चे इसके अपने हैं, कौन जानता है, मुझे तो पता नहीं, मैं अपनी फैमिली हिस्ट्री तो जानता नहीं। अब वो वहाँ से SPG में दिमाग लगा रही, ठीक है। आप इतने बड़े लेवल पे होता है कुछ खेल, लगा लो, विद्याएं तो सब जानते हैं ना। मैंने कुछ बोला नहीं। अब 25,000 US डॉलर साहब ने क्या करा, चेक साइन करके जो है ना उसको दे दिया, इनका ट्रंप को, ओवल ऑफिस में। बोले ये हितेश को भेजना है, बस इवन का ट्रंप ने भेजा ही नहीं, वो अपने पास रख लिया। दिमाग लगा दिया उसने इंडियन इंडिया पोस्ट में, कह रहे इसके पास कुछ नहीं पहुंचेगा। साहब ने कुछ नहीं बोला, बोले देख ले तू उसे जितना रोकोगे वो उतना पैसा कमाएगा, ठीक है। कह रहे अब जरा इसका पैसा लिखना शुरू करियो। उसको पता नहीं था कि वो पैसा लिख किस कर रही है, ये सोच रहे ट्विटर पर कुछ ज्यादा ही बोलता रहता है। बाद में मैंने वो 25,000 US डॉलर जो थे मैंने इवनका ट्रंप को दे दिए। मैं कहा अच्छा ये तू रख, ठीक है। उसको तब भी समझ नहीं आया, वो बाद में बैठ के जब वो कंपेयर करेगी ना कि दोनों बंदे एक हैं, उसके दिमाग में भी जो है ना क्या कहते हैं बढ़िया तरीके से जो है क्या कहते हैं एटम ब्लास्ट होना है। तो ऐसे ही चलता रहा ऑल ओवर वर्ल्ड में, जितने भी टॉप सेलिब्रिटीज थे, जितने भी साहब लोग थे, ठीक है। मैंने भी बड़ी बनवाते दार एंट्री मारी,
तो उन लोगों ने क्या करा, अपने सारे जो है नौनियालों को घर से बाहर ही निकाल दिया। तो बाहर निकल लो चुपचाप यहाँ से। अब सब रहता अपनी टॉप एसपीजीज के साथ, सिक्योरिटीज के साथ। उन्होंने क्या करा कि बिना देर करे बोला, चलो मैं निकलो यहाँ से, कोई फालतू दिमाग नहीं लगाएगा। और इसमें सुल्तान ने जो दिमाग लगाया कि वो तख्ता पलट कर देगा। मैं कहा, तेरे दिमाग में मेरी और सुल्तान की अड़ गई। फिर सुल्तान ने, इवेंका ट्रंप ने, यहाँ तक कि क्या कहते हैं, नेहरू राय ने जो है हंसदेव रवि की अस्तैसी कर दी, वह निकल ले मैं यहाँ से, चल। बहुत बहुत से ऐसे मामले रहे, ठीक है, कितने किस हद तक किस परसेंटेज तक, ये तो पता नहीं। अब कह रहे पैसा नहीं पहुंचने देंगे इस तक। कह रहे तुम चिंता मत करो, देखो ना तुम्हारे तक वो तुम्हारा स्टार्टअप नहीं पहुंचने देगा, जो मर्जी कर लो तुम। तो ये सारे मामले चलते रहे। यहाँ भारत के अंदर जो है मोदी दिमाग लगा रहा था, ठीक है। अब मोदी के चक्कर में जो है, क्या कहते हैं, मेरी और मोदी की बनती नहीं थी भाई, कुछ चीजें जानता था, ठीक है। अब मोदी यहाँ पे अपनी ना पावर यूज कर रहा है। इसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ना दो चार बार जो है इनकी एसपीजी सिक्योरिटीज ने समझा दिया, क्या तू जानता नहीं है अभी हमारे बारे में, ठीक है। ये लोग है रेजर्स, रेजर्स समझते हो, मैं समझाता हूँ। जब कोई व्यक्ति जो है ना, क्या कहते, जिसकी फोटोग्राफ एक आंख से उधर आंख हो रही हो, दोनों साइड आंख हो, तो मतलब कि वो रेजर शो कर रहा है। रेजर शो करना मतलब उसकी टीम बंदे काट देंगे, मतलब वो बहुत बहुत क्या कहते हैं, खतरनाक वार्निंग होती है। मोदी के फोटोग्राफर्स ने जो ना मोदी का रेजर पकड़ लिया, मोदी के ना तीन रेजर्स थे इसके पास, वो तीनों रेजर्स हमने कर दिए गायब। नहीं, हर कोई नहीं मार सकता बंदे, काट नहीं सकता कोई। डोनाल्ड ट्रंप खुद रेजर है, पता तो लगा था मुझे। पुतिन हो गया, डोनाल्ड ट्रंप हो गया, बड़े साहब हो गए, बड़े भयंकर रेजर्स हैं, ठीक है। रेजर्स वही होता है जिसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी हो। डोनाल्ड ट्रंप की भी आर्मी का मैंने बताया ना, मैकडोनाल्ड का मालिक है वो, और मैकडोनाल्ड कोई छोटी मोटी फूड चेन तो है नहीं, कौन नहीं जानता वर्ल्ड में, वो है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वर्ल्ड की जो है, क्या कहते हैं, कुछ ऐसी फूड चेन है जो आप सपने में नहीं सोच सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन क्या करा, जो आए गुस्सा, वो लड़के वड़के ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे, ठीक है, उन्होंने अपना सब कुछ कर दिया मेरे नाम, कह रहा अपने तेल लेने जाओ तुम, ठीक है। नहीं, इतने बड़े लेवल पे ये कुछ नहीं देते, इनको बस जो है, क्या कहते हैं, एक एक रहने के लिए घर दे दिया। कह रहा घर उतना ही मिलेगा जितना इसके पास है, जितना मेरे पास है ना 1 BHK। कह रहा इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और घर में गिनवा ली चीज़ें, क्या क्या है इसके घर में, टीवी है, नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है। अभिषेक बच्चन के तो ऐसे हालात खराब हुए ना, अभिषेक और इसके ऐश्वर्या राय के, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री में तो इनके ऐसी ठुट पड़ी, किसी को किसी ने नहीं बख्शा, ये चल रहा था काफी समय से। अब यहाँ जो है, क्या कहते हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि इवेंका ट्रंप वगैरह, इवेंका ट्रंप को एक नौकरी मिल गई कि वर्ल्ड का एक बंदा है, वो इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स, तो पैसा लिखना सुपरवाइज चल रही थी। ट्रंप साहब की हंसी नहीं छूटे, उनकी उनकी टीम जानती थी, उन्होंने कुछ नहीं बोला। इवन का ट्रंप मेरा ही पैसा लिख रही थी और मेरा ही पैसा रोक रही थी। यही हाल हुआ रावी पीरजादा का, कह रही हम पैसा कमा के दिखा देंगे, ये बनाने लगी पेंटिंग्स, तो बना ले। अच्छा, रावी पीरजादा को भी नहीं पता था ये ट्यूट रैंडल वाला बंदा और रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स यही है वो बंदा, ठीक है। इतनी टॉप लेवल की टेररिस्ट, टेररिस्ट को मारने वाला, इसके एक ऑर्डर पे कहीं किसी को उड़ा देते हैं, ठीक है। जब डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस से मारने की कोशिश की गई ना, वो औरत और कोई नहीं थी, इवेंका ट्रंप थी। इवेंका ट्रंप के कहने पे गार्ड ने जो है गन का सेफ्टी लॉक खोल दिया था। अब समझ गए, इवेंका ट्रंप जेल से बाहर नहीं आ पाएगी। यूएस प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश, ये CIA की इन्वेस्टिगेशन है मैडम। और सुल्तान पूरी जिंदगी बाहर नहीं आ सकता। साहब को मारने की कोशिश, एक दिन पहले जिस सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू मारने की कोशिश की गई थी ना साहब को, हमने उसको एक दिन पहले उससे घर के बाहर ही मार दिया था, लड़ाई झगड़े में। मैं था SPG में, ये आज तक समझ ही नहीं पाई है कि ये ऐसा कैसा SPG है।
और क्या, फिर मैं झक मराने के लिए एसपीजी में हूँ। थ्रेड को तो हम बहुत पहले न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वो जो गार्ड था ना, उसको बहाने से जो है उसके घर परिवार के लड़ाई झगड़े में ही मार दिया जान से। अब दो सेलिब्रिटी गए, नहीं वेंकटरम चाहिए, वो बाहर नहीं आ सकती, वो हम कुछ नहीं कर सकते। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मोदी के साथ मिलके, जिस दिन उसने एक मीटिंग में मोदी से हाथ मिलाया था ना, तभी हम लोगों ने हाईलाइट लिया था। जांच तो चली रही थी, क्योंकि पता चला अयोध्या बड़ी छावनी से जो है, जो कोई बंदा था उसने ऑर्डर दिए थे। शायद वो यहाँ से अयोध्या बड़ी छावनी फोन करके जो है विंकर ट्रंप जो है कॉन्ट्रैक्ट में थी। ठीक है, अब ये तो CIA और पैंटागन जवाब देगा। हो ही नहीं सकता ना, जब उस गार्ड से पूछताछ हुई, बट उन्होंने सेफ्टी लॉक कैसे हटा दिया, अलाउड नहीं है ना। ठीक है, जैसे उसने सेफ्टी लॉक हटाया, एसपीजी में मैं था, व्हाइट हाउस में मैं दिखता नहीं हूँ। मैंने देख लिया, देखते के साथ ही मैं यहाँ पे उठते के साथ ही मैंने ट्वीट कर दिया। CIA वाले लेकर निकल गए उस बंदे को। बाद में पूछताछ में पता चला कि ये इवनका ट्रंप जो है इंडिया आई और मोदी के साथ जो ये गुरु गुरु और पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट लेकर के जो है डोनाल्ड ट्रंप को चटकाने के चक्कर में। हमने इसको 100 बार समझाया था। नहीं, फाइनल स्टेटमेंट तो आपका जरूर लेंगे मैडम, हमने पहले कहा था। हमारी बराबरी कैसे कर लोगे मैडम? इवेंट का ट्रंप ने मुझे चिढ़ाने के चक्कर में अपने सिक्योरिटी ऑफिसर से शादी कर ली क्वेश्चन घर से, मुझे क्या चिढ़ाएगी तू? मैं भी बापों का बाप हूँ। ये लगा रही ज्यादा दिमाग। रावी फीसदा ने क्या करा, मैंने इससे प्यार मोहब्बत की क्या बात करी, इसने अपनी वीडियो वायरल कर दी। क्यों करीना कपूर? अब यह बात आती है श्री राम मंदिर को लेकर के। RSS मोहन भागवत ने अपना जीवन लगा दिया RSS में, मोदी ने भी अपना जीवन लगा दिया भारतीय जनता पार्टी में। शुरू से भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही जो है ना श्री राम मंदिर के नारे को लेकर हुआ। श्री राम जन्मभूमि में बाबरी विध्वंस या बाबरी ढांचा या विवादित ढांचा गिराया जाना, उसके बाद मतलब गिराने पे तो इनका नाम आ गया, बनाने में कहीं नहीं टिके, क्योंकि ये चाह रहे थे कि ये क्या कहते हैं संसद में बिल ला करके जो है, संसद में बिल लाना मतलब समझते हो, जब भी बिल लाया जाता है ना एक औरत का मर्डर होता है बहुत सीक्रेटली, ऑल ओवर वर्ल्ड में नियम है, इसलिए हम बिल नहीं लाने देते, मगर न्याय हो जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट से जब बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट में जो है क्या कहते हैं ऑलरेडी मामला था, केस तो चल ही रहा था, ऐसा नहीं था कि मुसलमान कुछ कर लेते। हम न्याय की अवहेलना नहीं करना चाहते थे कि एक सिस्टम ना टूटे, वरना हिंदुओं से ज़्यादा कौन कट्टर हो सकता है धरती पे, समझ में? हमारे को तो कुछ खिला दो, कुछ पिला दो, कुछ कह लो, हम हिंदू ही रहते हैं, ठीक है ना? बाल छोटे हो बड़े हो कुछ फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। तो जब बात आई श्री राम मंदिर की, तो श्री राम मंदिर के मामले में हमने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में हमने एक बंदे को भेजा था और बात भी हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था, यार इंटेलिजेंस क्लियर नहीं मिल रही है हमारे को, फैसला तो आ जाएगा, ठीक है केस भी हम जो है फास्ट ट्रैक में चालू कर देंगे, सब कुछ रेडी है, इंटेलिजेंस क्लियरेंस क्या है। मेरी बात हुई IB की टीम से, मैं कहा इंटेलिजेंस क्लियर है, कह रहा जी इस्लामिक वर्ल्ड में देखना पड़ेगा, मैंने पता करो, तो वहाँ सऊदी से जो है ना और काबा से
सऊदी में बड़े साहब ने मैसेज भेज दिया काबा में, कह रहे श्री राम मंदिर के मामले में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात से इमरान खान चिढ़ गया था, तो मजबूरन इमरान खान को भी जो है अपनी टीम को समझाना पड़ गया। ठीक है, सऊदी से बड़े को रेजर्स थोड़ी हैं, बहुत भयंकर रेजर्स हैं ये लोग सऊदी, इसीलिए तो सऊदी वाले ज़्यादा आर्मी नहीं रखते। हमजा की टीम इतनी खतरनाक है ना, हमजा की जो टीम है बड़े बहुत खतरनाक लोग हैं। हमजा जाते जाते मेरे नाम कर गया सब कुछ, अपनी पोस्ट वगैरह सब, इस्लामिक वर्ल्ड में इंटेलिजेंस चीफ है। ठीक है, स्टैनली मार्बल्स कंपनी का जो मालिक। ठीक है, अब यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया, आर्गुमेंट मैंने दे दी, पहली आर्गुमेंट पे केस ख़त्म। मुसलमानों को कह दिया भैया कि श्री राम मंदिर के इतिहास की बात हुई तो साफ कह दिया भाई भाई तुम्हारा बाबर जो है 1500 साल से ज़्यादा पुराना तो नहीं है ना, नहीं है। तो श्री राम मंदिर की जो बात हो रही है ये तो क्या कहते हैं कई युगों की, त्रेता युग की बात है, 10,827 साल का एक युग माना जाए, ये कलयुग चल रहा है, समझ में आई। ये कलयुग चल रहा है, तो यहाँ फिर आर्गुमेंट होने के बाद जो है क्या कहते हैं, और सुपर वॉइस मेरी थी, आई वाज ऑन हॉटलाइन, केस मैं भी लड़ रहा था। ठीक है, हिंदू महासभा के पास कोई आर्गुमेंट थी नहीं, मेन पार्टी मैं था। ठीक है, और उसमें जो है आर्गुमेंट मेरी लगने के बाद केस एक तरफ चला गया, केस मेरे फेवर में आ गया, बनाओ जी भव्य श्री राम मंदिर। यहाँ फिर एक बात को बात लेकर कोई कि मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन देने की, हालांकि मैं उसके फेवर में नहीं था, मैंने कहा जी मैं तो अपनी जेब से दूंगा नहीं, अदालत अपनी तरफ से देना चाहे तो दे दे, हम क्यों पे करें, जो चीज़ है ही नहीं उसके लिए पैसा हम क्यों दें। अच्छा, इस बात की फाइल लगने में लग रहा था टाइम, तो चलो कोई बात नहीं, बात हुई ज़मीन देने की, तो वो कह रहे थे कि हमारे को शरीर को दूसरी था, मैंने कहा भाई ऐसा है श्री राम मंदिर के ना 100 कोस के दायरे में एक मस्जिद नहीं छोड़ूंगा, सुन लो कान खोल गए, यहाँ ऐसा कोई भाईचारा नहीं है कि इधर मंदिर में आरती शुरू हुई उधर अजान देने लग गए। बात तो हुई, अब मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो जीवन भर की मेहनत थी श्री राम मंदिर के पक्ष में, वो इनके हाथ से इतिहास निकल गया। मैंने कह दिया भाई श्री राम मंदिर में जो है क्या कहते हैं मेन प्रांगण में जो है, ठीक है, श्री राम दरबार में जो है पंच परमेश्वर की फोटो लगेगी, इसमें गोगोई साहब और जिन्होंने फैसला दिया सर्वोच्च न्यायालय, ये बात जो है नेताओं के गले नहीं उतरी। एक पक्ष था बीजेपी का जो श्री राम मंदिर के पक्ष में था, और दूसरा था कांग्रेस जो श्री राम मंदिर के पक्ष में नहीं था, दोनों के हाथ से जो है राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो गई इस देश में। भारत के अंदर श्री राम मंदिर के नाम पर जो है राजनेताओं की राजनीति चल रही थी, कांग्रेस जो है मुसलमानों के अंदर बनी फिर रही थी देखने में, हालांकि ठीक उसका उल्टा था। भारतीय जनता पार्टी जो है क्या कहते हैं हिंदुओं के अंदर बन रही थी, यहाँ ठीक उल्टा था, हाँ का ना ना का हाँ, ये था असल में। कांग्रेस वाले दबा के कटिंग मारते थे मुसलमानों की, भारत में जितने भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं ना कांग्रेस वाले करवाते हैं, गुजरात दंगों में नहीं, मोदी इज कांग्रेस ही, वो सोनिया गांधी का प्यादा बिल्कुल है, 100% है, सोनिया गांधी का कुत्ता है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बनी है। ठीक है, अब मेरी तरह थोड़ी है, ठीक है मेरे से कह रहे, मैं कहा भाई मैं तो कई पॉलिटिकल पार्टी में गया हूँ, कांग्रेस क्या कहते हैं एनसीपी से बीजेपी और वो थोड़ी, मैं तो ऑनलाइन उसमें रहा हूँ, उसमें एनसीपी में मैंने जा करके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से भी मेरी बात हुई है, बट आइडियोलॉजी मैच नहीं होती ना उसमें, मैं आज भी टिका हूँ, मुस्लिम मुल्ला परस्ती नहीं होती हमसे, ऐसे ऐसी मजा है न, ये बात बड़े साहब के समझ में आ गई, उन्होंने कह दिया बात सुनोगे मुसलमानों, सऊदी से बड़ा कोई मुसलमान नहीं है, उन्होंने साफ कह दिया बात सुनोगे भूतनी वालों, धरती पे काबा से बड़े बड़ी कोई मस्जिद नहीं, ठीक है ना, नमाज पढ़नी है काबा आ जाओ और कहीं उधम नहीं मचाओगे। ठीक है, वो लोग पैसे वाले, वहाँ डिसेंसी बहुत गजब है,
के देखने लायक बनाया हुआ है। और क्या, जब मामला यहाँ बिगड़ने लग गया, काबा से जो है क्या कहते हैं सऊदी गैजेट और क्या कहते हैं कुछ मुफ्तियों ने दिमाग लगा दिया, तो हमने न्यूक्लियर पॉइंट कर दी। बड़े साहब समझ गए वो भाई मूड में। मैं तो कह दिया था, मैंने अगर श्री राम मंदिर के मामले में जरा सा भी दिमाग लगाया, और भारत में अगर दोबारा मुस्लिम इसने इमरान खान ने ग्रीन एसेट एक्टिवेट करी, ग्रीन बोलते हैं पाकिस्तानी क्योंकि झंडे में ग्रीन है इसलिए, ठीक है तो देख लो काबा नहीं रहेगा धरती पे, श्री राम मंदिर तो हम बना लेंगे। हमारे से ज़्यादा ना हथियार है आपके पास, ना हमारे से ज़्यादा पैसा है, हमने जो है यहाँ से अग्नि लॉक कर दी, ठीक है। उधर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जो है क्या कहते हैं वो बड़े साहब के पीछे पड़ गए जी, आपने जो है क्या कहते हैं उसी समय रोकना, तो देख रहे तो कुछ नहीं कर पाता। आरएसएस ने एक समय पहले जो है एक बात कह दी, फैसला आने से पहले, कि श्री राम मंदिर का फैसला जब आएगा तो कुछ भी हो सकता है। हमने मोहन भागवत पकड़ लिया कमरे में, थप्पड़ ही थप्पड़ पड़े इसके, क्यों बोला वो तूने, क्या होगा क्या कर लेंगे लोग, तो धमकी दे रहा है। हमारे पास आईबी वालों ने क्लियरेंस दे दी, जो मेन मेन बंदे थे ना टॉप लेवल के, जो क्या कहते हैं इस्लामिक फैनेटिक्स थे, बुखारी हो गया तुम्हारा, दारुल देवबंदी हो गया, सब जगह पर आईबी वाले पहुंच गए। आईबी वालों ने सबकी कनबटी पे ले ली, आ जाओ बेटा, जिस दिन फैसला आने वाला था उसके 5 दिन पहले ऑल ओवर इंडिया में आईबी वाले हाई अलर्ट पे थे, सबने जो है कहता पिस्टल लॉक कर रखी थी। कह रहे बेटा भाषण सोचने नहीं देंगे तुम्हें हम, तुम भाषण कैसे दोगे, पूरा घर परिवार मार देंगे, 3 मिनट में मार देंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आते के साथ ही जो है 5 दिन पहले 5 दिन बाद तक आईबी वालों ने हिलने नहीं दिया किसी को, फैसला आ गया। अब मोदी और आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आडवाणी गैंग, मुरली मनोहर जैसी जोशी गैंग की जिंदगी भर की राजनीति खत्म, और सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया श्री राम मंदिर। हालांकि क्या कहते हैं बात न्याय की हुई, अब मानो या ना मानो, अब सुप्रीम कोर्ट का नाम जो है सुनहरे अक्षरों में गोल्डन प्लेट पे आ गया, ठीक है। और हमने भी कह दिया भाई देखो हम झूठ के बोले, यहाँ पंच परमेश्वर जीत गए भाई, न्याय तो न्याय है, न्यायाधीश तो न्यायाधीश है, साफ सीधी बात है। और तुम चाहे तो अभी इन्होंने जजमेंट जो है क्या कहते हैं दोबारा कहा कि आप इसको फिर से सुनो, तो मैंने यहाँ से पिटीशन लगा दी, फिर से मैंने यहाँ से रिप्लाई फाइल कर दिया। मैं कहा भाई ऐसा है अब दोबारा आएगा ना बात करने तो बाबर से रिश्ता बता दियो अपना। अब ये मेरे पीछे पड़ गए कि भाई ये कौन होता है बोलने वाला, ये देख लें अंगूठे पे क्या लिखा है, रा और चा, मैं खुद हूँ यहाँ पे, रच रामचंद्र, मैं खुद मौजूद हूँ। तो है क्या, मेरे मेरे मेरी मेरी आवाज़ पहचानते तो सब थे, ठीक है मैं खुद मौजूद हूँ, बाप भी मैं ही हूँ बेटा भी मैं ही हूँ, मुसलमान मैंने 100 बार कहा था, तुम्हारा अंडे का पानी ठंडा हमने 1947 में इन लोगों ने कर दिया होगा, जाओ कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, तो फिर ये कश्मीर का राज ना फिर मारेंगे भोसड़ी वाला तुम्हारे को, वो ठीक नहीं होगा। बहन का लौड़ा तुम्हारी वहां के चूत, पूरा सऊदी रेगिस्तान सब कुछ तुम्हें दे दिया, तुम हो गया हमारे आगे भाई, हमजा होगा कोई रेजर होगा कोई कटर होगा अपने वहां होगा ना, हम काट कूट के फेंक देंगे। फिर ये इसराइल की शरण में गए, अब मेरे ऊपर हो गया हमला। उस समय जो है क्या कहते हैं यहाँ आसपास कोई छतरपुर में रहता थोड़ी सा, 2 साल पहले पब्लिक यहाँ से जा चुकी थी, सब श्री राम मंदिर निर्माण में लगे हुए थे, काम चल रहा था, JSR सिक्योरिटीज बनाई मैंने इसी वजह से। अब जब बात ये हुई तो डोनाल्ड ट्रंप तक ने श्री राम मंदिर निर्माण में आके काम किया है, बड़े साहब से लेकर डोनाल्ड ट्रंप ऑल ओवर वर्ल्ड की पर्सनालिटीज में टॉप लेवल, अपना आराम से आए आकर के मंदिर निर्माण में कार्य
श्रमदान करके गए हैं। अब इनकी सुलग गई सबकी। कहते हैं ना कि हाथ तो आया मुंह ना लगा, वो वाला हिसाब हो गया। यहाँ बुखारी बिल बुलाया फिर रहा था, बुखारी को प्यार से बिठा रखा आईबी वालों ने, कमरे में बैठा रहा चुपचाप। घर परिवार सबके ये वो वैसी वैसी सबके लगी हुई थी कनपट्टी से। वो आईबी वालों ने साफ कह रहे भाई, हम नहीं जानते कौन जूश है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, आवाज़ नहीं पहचानता आवाज़ किसकी है, कौन नहीं जानता, तेरा बाप नहीं जानता, तेरा भाई नहीं जानता, कौन नहीं जानता है, तो श्री राम मंदिर कैसे रोक देगा? भव्य श्री राम मंदिर तो बन के रहेगा, और नहीं तो धरती पे ना का छोड़े काबा ना छोड़े वेटिकन। हम भी छाने निकले, हमने जेरूसलम फूक दिया, फूक दिया जी हमारे लोगों का काम है, जेरूसलम में आग लगा दी, वेटिकन फूक दिया। काबा में जब पहली बार पेनी गिराई ना, और जमीन के नीचे तक, मगर अब पूरा जमीन में दबा देंगे, लेने पंगे हमसे, और नहीं तो 12 से 1-1 मुसलमान निकल जाओ यहाँ से, चाहे तुम कन्वर्टेड हो चाहे कुछ भी हो, श्री राम मंदिर तो बन के रहेगा, हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हो तुम। इधर पुतिन, पुतिन ने भी दिमाग लगा रखा था, पुतिन ने साफ कह दिया इनको, तेरा कोई फालतू बकवास नहीं बेटा, ध्रुव एरोनॉटिकल, शौर्य क्रूज लाइनर, दानिया बैंक, सब श्री राम मंदिर, श्री राम मंदिर के लिए बन रहा है सब कुछ, श्री राम मंदिर की सुरक्षा के लिए JSR सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ। मोदी जो है यहाँ से वो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो लेकर के अयोध्या चक्कर काट रहा था, जब पता भी है श्री राम मंदिर बनता कैसा, भले जमीन के नीचे बन रहा है, वहां तो खजाना वजाना सब बनेगा। मैंने जितने भी अब तक मैंने 23 वर्ल्ड बैंक अकाउंट थे मेरे अनलिमिटेड, मैंने श्री राम मंदिर भेज दिए, मैंने वहाँ अखाड़े वाले और पंच दशनामी अखाड़ा ये वो सबकी गांड पर बड़ी लात, भवया से बाजे चुट तुम्हारी बैठ के लोड़ो, सबको पड़ी ठुट तबीयत से। मेरे पे हमला होने के बाद जो है उसके तीसरे चौथे दिन अयोध्या से गाड़ियां ही गाड़ियां आ गई यहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादातर जो है सब ये सब सिक्योरिटी वाले हैं, सब कोई रेडी लगा रहा है कोई कुछ है, कौन था भाई, उन्हें पता लग गया भाई इसकी उंगली टूटी है, कह यार आज तक तो किसी की हिम्मत हुई नहीं, तो पता चला कि घर के अंदर का मामला है, उन्होंने उसको भी समझाया, कह रहे यार बहाने से जाकर वो फालतू बकवास नहीं करनी है वहाँ पे, अब मिलना है मिलो, नहीं मिलना है मत मिलो। अब मेरी वाइफ को भी कई बार समझाया, प्रीति को इशारों में देखो मैडम, अब सही बात नहीं है, ठीक है ना, तो देख लो फिर, मेरा लौंडा फालतू दिमाग लगा रहा, कह रहे देखो जी ऐसा है, आप जानते नहीं जानते हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, तो देख लो ऑल ओवर वर्ल्ड में हमसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, हम तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, मुसलमानों को यही समझा रहे हैं खान का मार मूर के फेंक देंगे, काट कूट देंगे, क्या फ़ायदा। जब जब आप लोगों ने गलती करी, जिस दिन श्री राम मंदिर का फैसला आने वाला था, इतनी कटिंग मारी ना हमने इंडिया में, जब 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 क्या कहते हैं कलम से जो है क्या कहते हैं श्री राम मंदिर लिखा गया ना ऑर्डर में, मार्क काट बैन के लड़ों को धकाधक काटे, आईबी वालों का भी दिमाग चकरा गया, कह रहे ये क्या बंदे हैं, सबको उठा उठा के ट्रकों में, पहले पागल समझ रखा है तुमने क्या, अब तुम देख लो फैसला कोर्ट के बाहर सही है, कोर्ट के अंदर हाथ जोड़ के बैठ के करो भाई साहब, कोर्ट के अंदर ही सही है, देख तो सही। पाकिस्तान में हम अब तक जो है 7,000 से ज़्यादा बम ब्लास्ट कर चुके हैं, 7,000 से ज़्यादा, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमने कोई 90,000 बड़े ब्लास्ट किए, जिसने बदतमीजी करी जिसने वही गया काम से, कहीं हो कुछ हो तुम बेवकूफ समझ रहे हो क्या हम लोगों को, इतना 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 पीटा ना बीजेपी वालों को, तो ढूंढ ढूंढ के करिए जरा, मतलब नाम तो श्री राम मंदिर का ले रहे हैं, नारा श्री राम मंदिर का लगा रहे हैं, स्मृति ईरानी गा रही है ईरान का, तो कभी कुलभूषण जाधव का मामला लेके आ रहा है,
कभी भारत पाकिस्तान युद्ध ला रहा है, कभी चीन का ये लेके आ रहा है, तो फिर बीच में कोविड लेके आ गए। कुछ ले आ तू, कुछ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो श्री राम भक्त है उनको कोविड हो ही नहीं सकता। ये सारा का सारा तुम ज्यादा शाणे बन रहे हो, लिखो तो कॉपी में, जो बिगाड़ सको बिगाड़ लो, मैंने फैलाया कोविड। हिंदू नहीं मरेंगे कोविड में, मैं धरती पर सारे दूसरे धर्मों के लोग मार दूंगा। वायरस फैलाने का आइडिया मेरा था। तुम हमारे खाने और पानी में दवाई मिलवा दोगे, मैंने कुछ नहीं किया। मुसलमानों में ना तरीके से कांड कर दिया इनका, मुसलमान हो, ज्यूस हो, ईसाई हो, जैन धर्म हो, सरदार हो, लेने पंगे मेरे से। बहुत पढ़े लिखे हैं हम लोग, पूरी डॉक्टर लॉबी मेरी है। लगा दे बेटा, तू पानी में इंजेक्शन में लगाएगा, हमने मोदी में इंजेक्शन ठोक दिए सारे नेताओं में, लगा दे जा बेटा सबके धका धक। बैक्टीरिया डाल दिए इनके अंदर। अरे चौड़े में कह रहा हूं, कौन कोविड कौन स्वेटर। क्या कैसा लग रहा है? मोदी में तो 8 इंजेक्शन ठोके कोविड वायरस के, 19 ठोकूंगा तुम सब में, कोविड-19 करूंगा। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटी बंद महासुख होई। इधर आओ सुखोई वालों भी। हाँ बता ना, श्री राम भक्तों को नहीं लगाते अब? लगाओ बेटा तवा दवा करके, एक ही इंजेक्शन में हिल गए। मैंने सुप्रीम कोर्ट में साफ कह दिया था, यदि आपने, जब ये बोबड़े को लेके आया ना, मैं समझ गया कन्वर्टेड ईसाई है बोबड़े, झारखंडी। मैंने कहा बेटा हम काम कर चुके हैं, तू देख तो सही, एंटीडोट नहीं बनाते हम। तुम्हारे शरीर में एक बैक्टीरिया जो है ना, धीरे धीरे डायनासोर बन जाएंगे। हाँ, किसी के अंदर अजगर के कीड़े ही डाल दिए, किसी 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 के अंदर रेबीज, किसी के अंदर कोमोडो ड्रैगन। हाँ मैं कह दला एक माँ के चूतन बहन का लौड़ा की हनुमान मैं बनाता आया हूँ बे। बानर सेना रॉय नल नील। किसी में हाँ हाँ बढ़िया तरीके से। अगर सुलेमानी कीड़ा तुम्हारे को मैं देता हूँ भोसड़ी वालों, क्यों पहचाना मेरे को? और मिलाएगा पीने के पानी में दवाई, करेगा मिलावट है? क्या ऐसी आई है हमारे आगे? चौड़े में कह रहा हूं, चौड़े में धरती की पॉपुलेशन मार दूंगा अगर किसी एक ने भी भव्य श्री राम मंदिर के खिलाफ आवाज उठाई तो। समझ में आई? याद रख लेना, याद रख लेना। अब तुम गाना गाओ, पता क्या, तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, हमने क्या चाहा था इस दिल के लिए, तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, चाहने वालों से गर मतलब नहीं, आप फिर पैदा हुए किन के लिए, आप फिर पैदा हुए किन के लिए,
तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए। अरे 100 बार बोला यार, मैं असली वाला हूँ, मानते नहीं। ये बाप बेटे की जोड़ी है, ठीक है ना, मानते नहीं। हाउ इज यू फीलिंग नाउ? तुम्हारे जैसे अधर्मियों का ना इस धरती पे कोई जरूरत नहीं है। बहुत जमीन बचने वाली है, चिंता मत करो। उसको बुलाओ, एक कंधे पे लकड़ी लेके कौन घूम रहा था? तू बढ़िया आदमी है। एक और को बुला जो कंधे पे फावड़ा लेके घूमता। सब मरेंगे, चिंता कर। बहुत बहुत खुजली दिन के दिमाग में मुसलमान बनने की। क्यों बे? मैंने बोला ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, हितेश मंडल इज द ओनली अल्लाह। मानते नहीं हो तुम? अब क्या करोगे? तुम्हारी मजबूरी क्या है? एक इंजेक्शन तुम्हें लग गया, नाउ यू आर अंडर कोविड। इलाज कराने फिर जाओगे, दोबारा से इंजेक्शन लगा के फिर एक वायरस। 19 पूरे करे हुए इनके, समझ में आ गई ना? यमराज असल में मेरे पास एक दिन मिलने आया है मेरे से। हाँ, क्या हितेश भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया यार, क्या ड्यूटी व्यूटी नहीं है आजकल? मगर कहाँ ड्यूटी चल रही है? कहता नर्क में। मैं कहा प्रमोशन ले ले, क्या हो गया? कह रहा ऑलरेडी यमराज हूँ। फिर खाली कैसे बैठा है? कह रहे क्या करे, कोई है ही नहीं, मैं बहुत सारे भेजूँ। बिजनेस सबका चलेगा, चिंता मत करो बेटा। हम श्री राम भक्त हैं। तो मेरे से एक बंदा पूछा, कह रहे आप श्री राम हैं या श्री राम भक्त हैं? मैंने बात सुना भोसड़ी के, भक्ति हमने सिर्फ अपनी खुद की करी है। समझ में आ गए ना? कहते ये लव का क्या किस्सा? मैं भोसड़ी बारे और तेरी बीवी को आई लव यू के तेरे सामने कैसे बोलो यार? ये एकमात्र तरीका है। ये क्या मतलब है? मैंने बोल दिया ना, आई एम लव। तो कह रहे पर वो रामन सागर के सीरियल में, मैं कहा उसी बात की तो खुंदक थी। ये धोती वाले जो है ना, ये हाँ भारतीय जनता पार्टी में, कह रहे अब क्या करोगे? इस वायरस का कोई तोड़ नहीं है। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। जिस दिन मोदी ने पहली बार इशारा किया था ना पीने के पानी में दवाई मिलाने के लिए, मैंने पहले इन्हीं की मां छोड़ो बैल के लड़ो की, और बढ़िया तरीके से आराम से, आराम से लगाते लगाते चलो दिल से इंजेक्शन, लगाते चलो। क्यों मेरे से कह रहे आपका इंजेक्शन का कोड क्या था? मैं दिखाता हूँ ना, शुरू से आई एम इंजेक्शन किंग। पहले सिगरेट, रेगुलर रेगुलर, मैं रेगुलर कह रहा था, मैं रेगुलर देते रहो इनको धीरे धीरे। क्या भाई, अब इसमें बचने वाले कितने वाले हैं? तुझे क्या लेना देना है? तू अपना अपना कोविड चेक करा, नेगेटिव है ना, घर में जाके आराम से मस्त होके बैठना, जो जा रहा जाने थे। तुझे पॉजिटिव है, नेगेटिव है? नेगेटिव है, फिर तू बचेगा।
भाई अगर पॉजिटिव है तो तेरी नेक्स्ट मीटिंग यमराज से है बेटा, याद रख ले। ड्यूटी ड्यूटी एकदम बढ़िया वाली चल रही है। वैसे देखो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी जो है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ मृत्यु लोक से लेकर देवलोक तक कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, समझ में आ गई ना। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप को कोविड हुआ ना मैं उसी दिन समझ गया काम काफी ऊंचाई तक पहुंच गया। साई पंती नहीं चलेगी, डोनाल्ड ट्रंप को चाकू जो ये एक ऐसा इंजेक्शन लगाया मैंने इनको, ये कभी जो है कभी दोबारा इस धरती पे आएंगे नहीं। दे आर नाउ गोइंग टू बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यमराज कॉलोनी। यमराज ने बहुत बढ़िया कॉलोनी बना के रखी है। अब तुम्हारा जो है परमानेंट बोनाफाइड मेंबर यमराज रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। हाँ मोदी चला था एनआरसी नर्क बनाने, तो जय बनाता हूँ नर्क का रेजिडेंट, तो चिंता मत कर। बोल रहा हूँ तेरे मीडिया में आने के लिए, टन के हिसाब से वीडियो बना दी, अब भी किसी मीडिया में आने के लिए रह गया है। कह रहा मरियम से सेटिंग का नाटक ऐसे ले कर रहा, चूतिया हुआ यार वो, ऐसे कह रहे बड़ी जबरदस्त है। पता है कि सीता की झाट सुलगाने में मजा आता है। बार उसको घर में मैंने पता है क्या बोल दिया, बड़े प्यार से, मैं तो तुमने कभी शकल देखी है? ऐसी सुलग गई ना। ठीक क्यों मेरी शकल में क्या दिक्कत है? मैं वही तो कह रहा हूँ, देख लो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लेने तंगे खूब उछल रहे, खूब सऊदी, ईरान, इराक, सीरिया, पैलेस्टाइन, ऑर्थोडॉक्स, रेगुलर्स, खूब खूब उछल रहे। चले दे भारत को एक रीति खाने, मोदी ऑल ओवर वर्ल्ड में वायरस फैलाने चला था। मुझे जिंदगी में नहीं पता लगा ये वायरस फैलेगा कैसे, करे देश को इतनी बातें कैसे पता फैला, मैं नहीं था यार। 19 तरह के जानवरों की बीमारी डाल दी मैंने इनके अंदर। क्या हो गया, नया हनुमान बनाऊंगा। रोहित और क्या, देखो उसे देखने में कैसे होते जाते हैं। जिस दिन मैंने पाशुपत शास्त्र सिद्ध किया ना, कह रहे अब इसकी इसके लिए क्या क्या चाहिए, पशु अस्पात सब बताएंगे हम लोग। यहाँ कौन सनातन धर्मियों से होगा, श्री राम भक्ति भी ना युगो युगों के बाद मिलती है। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के आ गए, मुंह धोकर के सीधे आप बन गए। यहाँ गए तुम कन्वर्जन सोच रहे हो, यहाँ का कन्वर्जन सोच रहे हो, यहाँ का कन्वर्जन सोच रहे हो तुम, अभी कन्वर्ट हो गए और तुम्हारा सब बदल गया, कन्वर्ट हुए डायमेंशन चेंज।
लग्जरी में था ये भारत, विक्रांतरोही में ये। ये भाई फिर मतलब ये इतनी सारी लिस्ट किस लिए है? जो लिस्ट में है ये उनको पता होना चाहिए जो लिस्ट में क्यों है। अरे भाई सुग्रीव बनाना बानर सेना बनाएंगे तब रावण से लड़ने जाएंगे। बात सुनो बस, जितने कोविड इन्फेक्टेड हो इंडिया में खत्म कर दो मुसलमानों को। मरते मरते एक अच्छा काम करो, जहां जाओ सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम करो। शायद मुझे तुम पसंद आ जाओ। मेरे साम्राज्य को चुनौती नहीं देना वरना धरती से देश नहीं बचेंगे। सुंगा के मार दूंगा, सांस लेना भी छोड़ दो क्या हवा में? जाओ बोल दो इस मर्जी को। कहा से कृत्या, तुम्हें तुम्हारे कृत्यों की सजा हम देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई श्री राम भक्तों का हाथ उठाने की? कमलेश तिवारी किससे पूछ के मारा? मैं हूँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और अगर किसी के ज्यादा दिमाग में खुजली हो तो वो भी मिटा देंगे। क्यों बे? क्या जगह दोस्तों, ये कौन सा बयार है, ये कौन सा बयार है? हदे निगाह तक जहां शुमार ही खुमार है, शुमार ही खुमार है। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा बयार है? हाउ इज फीलिंग डार्लिंग्स? क्या हाल है तुम्हारा? कौन सा ये फैमिनिस्ट? वेयर इज माई मानी? क्या कहा था मैंने? जम कुबेर दिगपाल जहां थे, कभी कोविड हो सके कहां थे? एंजॉय योर कोविड and die with your COVID.